अगर सिनेमा एज ए क्राफ्ट में बात करूं तो इसमें मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि परिणीति को और इसमें थोड़ी मेहनत करना चाहिए थी, और बाकी तो सब अच्छा ही है। मेघना मलिक इस फिल्म में द बेस्ट है। बेस्ट वर्क इज परिणीति चोपड़ा ने बहुत ही अच्छा काम किया है। साइना नेहवाल, आई थिंक शी हैज प्लेड द पार्ट वेरी परफेक्ट। मूवी वाज सरप्राइजिंगली रियली गुड, लाइक व्हाट जितना मैं सोच के आया था, व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड, उससे काफ़ी बेहतर थी मूवी। सबसे अच्छा किसका काम लगा? सबसे बढ़िया काम परिणीति का ऑब्वियसली था, बिकॉज शी वॉज देयर, बट मच मोर देन हर मानव कॉल्स कैरेक्टर, इट वॉज रियली रियली गुड। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, लाइक जो उन्होंने कोच का कैरेक्टर प्ले किया है प्रॉपर एग्रेशन के साथ है, लाइक कि जितना अच्छा भी है उतना ही बुरा भी है, जहाँ पर स्ट्रिक्ट चाहिए वहाँ स्ट्रिक्ट भी है, तो इट इज़ प्रीटी गुड। इमोशनल हुए कहीं पर आप? इमोशनल मोमेंट्स थे एक आध बीच में, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर चक दे टाइप इमोशन की एंड में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, तो उतने इमोशनल भी पॉइंट्स नहीं है। दर्शकों को क्या सलाह देंगे? दर्शकों को सलाह दूंगा कि लाइक ये वन टाइम वॉच तो ज़रूर है, यू कैन डेफिनेटली कम वंस एंड वॉच। दर्शकों में सबसे ज़्यादा किसको देखना चाहिए? दर्शकों में सबसे ज़्यादा कौन से वर्क को देखना चाहिए? दर्शकों में सबसे ज़्यादा या पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा देखनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स को ये बात पता चलेगी कि MS धोनी या सचिन तेंदुलकर या साइना नेहवाल बनने के लिए लाइक उनके पेरेंट्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो द पेरेंट्स हैव टू बी दैट गुड एंड दैट सपोर्टिव। इसी के लिए पाँच में कितने दिया? पाँच में मैं 2.5-3 स्टार तक दूंगा। थैंक यू सो मच। मूवी फिल्म देखकर आ रहे हैं, आपको कैसी लगी साइना? मूवी इज़ रियली नाइस, काफ़ी अच्छी मूवी है, स्पेशली परिणीति को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है परिणीति ने साइना नेहवाल जी को। बहुत अच्छी मूवी है, इट्स रियली नाइस। फर्स्ट हाफ इज़ रियली ग्रिपिंग, सेकेंड हाफ थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट इट्स ओवरऑल इट्स रियली अ नाइस मूवी, रियली नाइस मूवी। आउट ऑफ 5 कितने देते हैं आप? आई विल गिव 4.5 म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक अरमान मलिक जी का है, काफ़ी मतलब स्कोर, साउंड स्कोर वगैरह, इट्स ऑल गुड। कोई और अच्छे हिट सॉन्ग्स हो सकते थे, बट इट्स अ गुड मूवी। जहाँ जहाँ पे यस जो राइट तो काफ़ी अच्छा मूवी, म्यूजिक भी ठीक है, वेरी नाइस, वंडरफुल। आई मीन आई डिडंट क्वाइट एक्सपेक्ट द फिल्म टू बी सो रिविटिंग, सो इंस्पायरिंग, सो ग्रिपिंग, एंड आई सिंपली लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। लास्ट वीक आई वॉज इन्वाइटेड टू द प्रीमियर ऑफ मुंबई सागा एंड आई जस्ट हेटेड इट, एंड दिस फिल्म एक्चुअली bolstered my belief in cinema and the way a good cinema should be written for that matter. दर्शकों को क्या सलाह देंगे? दर्शकों को सलाह दूंगा कि ये पिक्चर आके देखो, ऐसी पिक्चरें देखनी चाहिए, ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ऐसी पिक्चरें बने, इंस्पायरिंग फिल्म्स बने। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी है, खास करके बिकॉज अब सब जानते हैं आजकल डेली लाइफ में इतनी अच्छी मूवीज़ नहीं मिल पा रही है देखने के लिए जो यूथ को इंस्पायर करे, तो ये एक ऐसी मूवी कह सकते हैं साइना जो कि यूथ को इंस्पायर करेगी अपना फ्यूचर देखने में, और उनके लिए एक मैसेज होगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वंडरफुल। आउट ऑफ 5 कितने देती हैं? मैं देना चाहूँगी 4.5, बिकॉज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्टोरी बहुत ज़्यादा स्लो थी, घूम फिर के हम सबको पता है कि साइना ने हर एक अवार्ड्स जीते हैं बहुत सारे, और साथ ही साथ वो हर टूर्नामेंट में जो है उन्होंने नंबर 1 की पोजिशन प्राप्त की है, तो इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग बात मुझे नहीं लगता कि मुझे लगी इसमें, तो कह सकते स्टोरी लाइन बेटर हो सकती थी थोड़े और एक मसाला मिर्च के साथ, हम कह सकते हैं। आउट ऑफ 5 कितने दिया आपने? 4.5। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी इमोशनल भी थी, उसमें जो सपोर्ट दिखा रहा है, जो साइना को सपोर्ट कर रहे हैं उसकी मॉम डैड, तो वो बहुत अच्छा था और काफ़ी इमोशनल था। मैं तो बार बार मेरी आंखों में से पानी आ रहा था वो देख कर के, इतना सपोर्ट करते हैं उसकी मम्मी, एंड उसके कोच भी काफ़ी अच्छे थे जो उसको इतना सपोर्ट किए, बट मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रिक्ट भी लगे थे मुझे उसके कोच, सो हाँ। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है, स्पेशली सबसे ज़्यादा जो मुझे मूवी में अच्छे लगे हैं वो है मूवी के डायलॉग्स, और अगर एक्टिंग की बात करूँ तो परिणीति ने बहुत मेहनत करी है, दिख के आ रही है मेहनत जो उन्होंने मेहनत करी है, अपने आप को उस रोल में जो ढालने की कोशिश करी है वो हमें दिख रहा है, और स्पेशली मुझे मानव कौल की भी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और जो भी जो किरदार निभा रहे थे उनकी माँ का, यू नो पापा का जो भी थे, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है साइना नेहवाल को, जो किरदार निभा रही थी परिणीति चोपड़ा, उनको ऊपर उठाने के लिए। 5 में से मैं देना चाहूँगी 4।